भक्तामर प्रण तमोली मने प्रभाना मुत्योतकं सम्यक् प्रणम्य किं पादयुगं युगादाबलम् यस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्बुद्धबुद्धिपटो भीषुर स्तोत्रे जगत्रितय चित्तरे उदारे सोसे किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रं। यहाँ तक विषय आए। भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग भक्तांबर स्तोत्र कर रचना का लक्ष्य पाप क्षय के लिए बताया और ये भक्ति का मेरा लक्ष्य जिनकी मैं भक्ति कर रहा हूँ ऐसे आराध्य की आराधना करते करते मैं भी आराध्य बन जाऊं, इसी भाव को लेके कल मंगलाचरण और प्रतिज्ञा हम पढ़ के समझ के आए हैं। मंगलाचरण में यही बताया था ज्ञान कल्याण के उपरांत नम्रीभूत ऐसे देवों का जो समूह है वह सर्वज्ञत को और विस्तृत ऐसे मोहनी कर्म रूप तिमिर का विनाश करने वाले वीतरागता को तथा भवजले पतिताम जनानाम भव समुद्र में डूबने वालों को तारने के लिए हितोपदेशक ऐसे इन तीन लक्षणों के द्वारा सूचित करते हुए आचार्य हमें यही बताते हैं कि किनके चरण युगल प्रणाम करने के योग्य है। जो सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी इन्हीं के चरण कमल को नमस्कार करके अब मैं उन जगत पूज्य की स्तुति करता हूँ। मैं जिसकी स्तुति करना प्रारंभ कर रहा हूँ ये मध्यलोक में या एक राज्य में या एक प्रांत में या परिवार में या ये किसी कुल में पूजने वाले देव की मैं स्तुति नहीं करूँगा। मैं उसकी स्तुति कर रहा हूँ जो जगत तीन लोक में जिसकी पूजा होती है वंदना होती उसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ। क्योंकि जिस परिवार में हमारा जन्म हो जाता है हम जैन होते हुए भी कुल देवता की हम चर्चा करते हैं।
और शादी होने के बाद इधर उधर जाते हैं जो हमारे धर्म से कुछ संबंध ही नहीं उनका। जब तीन लोग के नात मिले हैं तो अनाथ क्यों बन रहे यार? जब हमारे पास तीन लोग के जितने भी ऊर्ध्व मध्य अधोलोक, ये तीन लोग जिनकी पूजा करता है ऐसे जगत पूज की मैं स्तुति करूँगा। और जो पहले सर्व शास्त्रों के मर्मज्ञ बुद्धिमान और स्तुति करने में चतुर ऐसे इंद्रों के द्वारा उत्तम एवं मधुर स्तोत्रों से वंदित हुए थे, और इसलिए मैं आगे प्रारंभ करता हूँ कि आचार्य कहते हैं कि मेरा ये प्रयास मुझे लगता है कि अविचारित है, क्योंकि जो तीन लोक में वंदनीय है ऐसी आत्मा की स्तुति करना ये क्या है? लगता है मुझे मेरा विचार अविचारणीय है, लेकिन क्या करूँ? उसी के बाद भाव को लेके आगे तीन नंबर छंद में बताया जा रहा है। बुद्ध्या विनापि विवुदार्चित पादपीट, स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहं, बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब, मनः कयेच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्, पढ़ेंगे। बुद्ध्या विनापि विवुदार्चित स्तोतुं समुदत मतिर्विगत, बालं विहाय जलसंस्थित स्तोत्र रचना की प्रतिज्ञा करने के बाद मुनिवर से आचार्य मांतुंग आचार्य कहते हैं, हे सुरगन पूजित पादपीठ, कि भगवान विवुदाजित पादपीठ, विवुदार्थात देव, उनके द्वारा अर्चित पूजित ऐसे विवर्जित पाद, यानी पादपीठ अर्थात पग रखने के आसन को क्या बोलते? पादपीठ बोलते हैं। और ऐसे पादपीठ पर जब वे विगत त्रप, अने ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा करते, तब उनके पादपीठ की पूजा भी स्वयं हो ही जाती है। और विगत त्रप जिस तरह मर्यादा विहीन लज्जा रहित, विगत ने जिसका विशेषता पूर्वक गई है, क्या गई है? त्रपाने लज्जा, ऐसे अहम
मैं यानी आचार्य मानता हूँ। बुद्धिया विना अपि, बुद्धि विहीन होने पर भी, अर्थात मेरे पास इतनी ज्ञान शक्ति नहीं है आपकी स्तुति करने के योग्य, तो भी समुदत मति, तत्पर हुई है बुद्धि जिसके आज से वे जिस तरह आचार्य मानतो महाराज पहले दो लाइन में अपनी भावना रखेंगे और उस भावना के लिए एक दृष्टांत बताएंगे। तो जैसे लज्जा रहित मैं आपकी अबोध बालक जैसा मैं हूँ और मैं आपकी स्तुति क्या करूँगा, तो उदाहरण बताते हैं कि जिस तरह जल संस्थितम, जल में जो पानी में इंदुबिंबम अने इंदु अने चंद्रमा अने चंद्र के प्रतिबिंब की जो प्रतिछाया होती है, चंद्रमा ऊपर है लेकिन सामने पानी में कुछ पात्र रखा है आंगन में और पूर्णिमा का चंद्रमा उसमें दिख रहा है, तो उसको देख के वे कहते हैं ऐसे चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालम विहाय, बालक को छोड़कर अने अबोध बालक के बिना अन्य क जन दूसरा कौन मनुष्य हो सकता है, क्योंकि सहसा ने बिना विचार करते हुए ग्रहीतुम इच्छति, क्या करना चाहता है, पकड़ने के लिए ग्रहण करने के लिए क्या करता है, इच्छा करता है, चाहता है, अर्थात कौन इच्छा करेगा छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा ही इच्छा करेगा प्रतिबिंब को पकड़ने का, बड़े लोग नहीं करेंगे। तो उसी तरह मेरी स्थिति है कि भगवान आप तो परम पूज्य देवादिदेव है, तभी तो देवगण आपके चरणों में भक्तिपूर्वक अर्चना वंदना करते रहते हैं, कहाँ वे और कहाँ मैं, क्योंकि ऐसे बुद्धिमान लोग आपकी पूजा करते हैं, स्तुति करते वंदना करते हैं और वे कहाँ कहाँ हम, क्योंकि आपकी स्तुति हम किस प्रकार करें, क्योंकि तद्रूप बुद्धि हमारे पास है ही नहीं। और ये भी बात है कि लोक व्यवहार में ऐसा भी हम देखते हैं कि जिस कार्य में अपनी बुद्धि की पहुंच हो वही करना पड़ता है और जिस कार्य में हमारी बुद्धि नहीं पहुंचती उसको करेंगे तो हाँ हास्यास्पद बन जाते लोग, कहते देखो क्या है और क्या करने को गया, क्या जानता ही नहीं और क्या करने को, तो हास्यास्पद हो जाता है। जिस कार्य में हमारी बुद्धि है ही नहीं वो कार्य हम करने के लिए जाते तो लोग हमारी तरफ क्या करते, देख के हंसते हैं। तो उसी तरह स्तुति करने के वह, लेकिन भगवान आपकी स्तुति करने का जो आदम्य उत्साह हमारे हृदय में इतना प्रबल है कि अपनी शक्ति की मर्यादा को तोड़ दिया हमने, हमारे पास मेरे पास जो शक्ति है उसको क्या कि हमने तोड़कर मैं भी कार्य करने के लिए तत्पर हो गया हूँ। और इस पद का समर्थन करते हुए
उपमाओं का प्रयोग वे यहाँ करते हैं, उसके लिए दृष्टांत बताते हैं कि जल में चंद्रमा का लुभावना जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, परंतु ऐसी सुंदर वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं करता। अभी के ज़माना है, आप लोगों में चंद्रमा देखा भी नहीं पानी में, कौन देखता है? पिक्चर में देखा होगा, आंगन में कभी देखा है? आंगन ही नहीं आपके घर का, क्योंकि पहले के घरों के सामने आंगन था, वहाँ बड़े बड़े पानी रखते थे, कहीं बड़े बड़े बर्तनों में पानी रखते थे, और उसको देख के बच्चे पकड़ने की कोशिश करते थे। आप क्या करते हैं? ये भी एक चित्र दिखाना पड़ेगा, पिक्चर जैसा, अंतर्यामी अंतर्यात्री महायात्री जैसे, ये भी दिखाना पड़ेगा कि ऐसा भी चित्र होता है ये। तो इतना लुभावना, इतना अच्छा लगता है, देखना है तो पूर्णिमा के आगे जब आएगा तब देख लेना कि ऐसे तसला बड़ा रहता है ना, उसमें पानी रखना और चंद्रमा को देख लेना, कितना ऐसा लगता है जैसे मैं यहीं पर है, पकड़ू क्या। तो इतना लुभावना लगता है कि ऐसे पकड़ने का प्रयत्न कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं करता, क्योंकि उसमें उसे नियम से सफलता मिलने का विश्वास नहीं होता। वो कौन कर सकता है? नादान, अबोध बालक ही अवश्य क्या कर सकता है, उसको प्रतिबिंब को पकड़ने का असफल प्रयास करता है। तो आचार्य महाराज इस छंद में अपनी कर्तृत्व बुद्धि रहित की अपनी लघुता का प्रदर्शन करते हैं। पहला रचना का कर्तृत्व बुद्धि उसको पहला, क्योंकि संसार तीन पर खड़ा है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। इसलिए आचार्य पहला कर्तृत्व बुद्धि रहित अपनी लघुता का प्रदर्शन करते हैं। वैसे तो वे आचार्य मानते हैं कि एक समर्थ और वर्चस्व प्रतिभा संपन्न चारित्र निष्ठ एक विद्वान सुकवि थे, और ऐसे होते हुए भी अपनी गिनती किसमें क्या, एक अबोध बालक में करते हैं। और निश्चयता एक नियम है, जो महान होते हैं वे कभी भी बड़े बोल नहीं बोलते। मोबाइल आपको बंद करना चाहिए। ये है तुम्हारी संस्कृति, माँ बैठे यहाँ उसका विषय नहीं धर्म सुनने का। एक रविवार इसके ऊपर मुझे प्रवचन है मेरा, संस्कार के ऊपर। ये स्थिति है हमारी। तो एक नियम है, जो महान होते हैं वे कभी भी बड़े बोल नहीं बोलते, क्योंकि एक लोकोक्ति है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर रहे। जहाँ लघुता आती है वहाँ नियम से प्रभुता आती है। जो खुद को बड़ा मानता है
वो कभी बड़ा बनता नहीं। भगवान के पास जाने के बाद इसीलिए मानस तो मंदिर जी के बाहर रखा है। अगर भगवान के दर्शन करना है तो आपको पहला मान कषाय क्या करना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दर्पण के ऊपर मिट्टी है, धूल है, उसका मुख नहीं दिखता, उसी तरह मान कषाय के द्वारा भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। इसीलिए पहला लघुता, जहाँ लघुता होती है वहाँ प्रभुता आ जाती है, और प्रभुता से प्रभु दूर रहते। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी लिखते हैं, जो कहता मैं सबसे बड़ा वो दूर धर्म से दूर खड़ा, जो कहता मैं सबसे बड़ा वो धर्म से दूर है, तुम दूर ही हो, क्योंकि तुम बड़े हो, भगवान से भी बड़े बन गए, अब क्या करना। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। और कितने भी बड़े सेठ जी हो, कितनी भी कोई हो, भगवान के पास जाने के बाद जैसे बाहर चप्पल छोड़ते, चप्पल पहनकर तो आना ही नहीं चाहिए मंदिर। तीन लोग के नाथ के दर्शन के लिए निकले हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भी पद क्या पादत्राण कभी नहीं पहने, उनके दर्शन करने के लिए भी मंदिर तक, तो भी उनका इतना उन्होंने तप किया, हम इतना भी नहीं कर पा रहे, दुर्भाग्य है हमारा। तो इसीलिए पहला मैं छोटा हूँ, मैं कुछ जानता नहीं, और यही हमारे आदर्श है। कितने भी बड़े ऑफिसर हो, कोई भी हो, पहला छोटा मानकर ही भगवान के दर्शन करना, तो कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, कषाय के साथ कर्मों की निर्जरा नहीं होती। क्योंकि कषाय शब्द, कषाय किसको कहते, ये तो मैं भी जानता हूँ, आत्मा को कसता है उसको, कश अधिक आय, कश यानी संसार, आय यानी लाभ, जिसके द्वारा संसार का लाभ होता है उसको कषाय बोलते हैं। कषाय किसको बोलते, कश यानी संसार, आय यानी लाभ, जिसके द्वारा संसार का लाभ होता है उसको कषाय कहते। और हम तो होलसेल व्यापारी है, किसके कषाय के, संसार का आय तो बहुत हो रहा है अपने को, इसलिए तो डूबते जा रहे। कई लोग तैरते गए, जो जोड़ते गए वो डूबते गए, जो छोड़ते गए वो तैरते गए। तो हमें इसलिए तो आपका जन्म हुआ है जैन धर्म में, क्या करने के लिए, जो अपना है ही नहीं उसको छोड़ना है, जो नहीं है तो उसको अपना मानते। हम क्या करते, मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है, तो क्या होगा, तो इसको अपने नहीं समझा। तो इस तरह आचार्य कहते हैं कि अपनी लघुता को प्रकट करते हुए यहाँ आचार्य मानतु कहने के बाद आगे के छंद में बताया जा रहा है कि भगवान स्तुति करने की सामर्थ्य संसार में किसके पास है। आपकी स्तुति करने वाला संसार में कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि भगवान की गुणों की महानता यहाँ चार नंबर छंद में बताए
बताते आचार्य, वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतां, कस्ते क्षमः सुरगुरो प्रतिमोऽपि बोध्या, कल्पांत काल पवनोदतन क्रचक्र, को आतरी तुमलमम्भुनिधि भुजाव्याम्, वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक क्षमः सुरगुरो प्रति, कल्पांत काल पवनो स्तोत्र रचना में तत्पर आचार्य कहते हैं कि हे आदिश्वर देव, आप क्या है? गुण समुद्र। आप गुणों के समुद्राने गुण सागर है, क्योंकि यह जो गुण के समुद्र शब्द आया है इसका तात्पर्य यही है कि दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो आत्मा के अनंत गुणों से यहाँ लेना है। भगवान के पास अनंत गुण होते हैं और ऐसे ही गुण निधे बुद्धि के द्वारा आपके उस शशांक कांतान, शशांक यानी चंद्रमा होता है, उसकी कांति के समान आपके जो गुणों को कहने के लिए बृहस्पति भी क्या है, यानी सूर्यगुरु प्रतिमा बृहस्पति समान भी कौन पुरुष समर्थ संसार में है। यानी यहाँ आचार्य कहते हैं कि बृहस्पति के समान जिसके पास बुद्धि है, वैसे बुद्धि वाला भी जब आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, आपकी स्तुति पूर्ण कर नहीं सकता, उसका कारण ये है कि गुण अनंत है और गुणन अनंत गुणों को हम वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को बताते हुए आगे बताते हुए कि कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम, अने प्रलय कालीन कल्पानी युग होता है, यानी कल्पांत उसमें निमिष जो काल होता है उसको कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल, जस उस प्रलय काल की प्रचंड तेज आंधी उछल रहा है, आंधी के कारण पानी भी उछल रहा है और पानी के साथ मगरमच्छ भी क्या हो रहे कि उसके समुदाय ऊपर उड़ रहे हैं, और
ऐसे सागर को क्या कर लेगा कि भुजाभ्याम, भुजाओं के द्वारा तैरने के लिए कौन समर्थ हो सकता है। आचार्य महाराज भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि आपके अनंत गुणों से परिपूर्ण, और प्रत्येक गुण कैसा है, चंद्रमा की कांति की भांति उज्ज्वल है, एक एक गुण। और इन सब गुणों की यथार्थ वंदना बृहस्पति तुल प्रतिभा सम्मान व्यक्ति भी जब नहीं कर सकता, फिर भला मेरे की क्या सामर्थ्य कि जो आपके गुणों का क्या वर्णन कर सकूं। क्योंकि आपके यथार्थ गुणों का वर्णन करने के लिए भी प्रयास करें किंतु नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि जब प्रलय काल की पवन जैसी आंधी चल रही है और ऐसे आंधी में मगरमच्छ जलचर प्राणियों में उसमें क्या कर रहे, उछल रहे हैं, और ऐसे महासागर को आपने दो भुजाओं के द्वारा तैर कर पार करने में कौन सा मनुष्य समर्थ हो सकता है। तात्पर्य यही कि इसका ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। इसी भांति कोई मनुष्य कितना ही बुद्धिमान हो, विद्वान हो, महापंडित हो, ख्याति से विभूषित भी हो, तो भी आपके गुणों का यथावत वर्णन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते महाराज? गुण अनंत है और वाणी क्रमवर्ती है। मैं एक शब्द बोलूँगा तो दूसरा शब्द मुझे आप बोलना पड़ेगा, तो हमारी वाणी कैसे, वर्णन करने वालों की वाणी कैसे क्रमवर्ती है। और भगवान के गुण कितने हैं? अनंत है। और गुण कैसे है? चैतन्यमयी है। और शब्द कैसे है? पुद्गल है। अब पुद्गल शब्दों के द्वारा हम आपके गुणों का यथावन हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी प्रकार नहीं कर सकते, क्योंकि फिर भी तीर्थंकर भगवंत के एक ही गुण का वर्णन करना हो तो भी वाणी के द्वारा संभव। भगवान के अनंत गुणों में से एक गुण का भी वर्णन हम नहीं कर सकते, तो अनंत गुणों की बात क्या कहा जाए। तो इसीलिए, क्योंकि शब्द शक्ति मर्यादित ही होती है, शब्द शक्ति मर्यादित होती है, और संपूर्ण गुणों का वर्णन वाणी में नहीं आ सकता। इस बात को बताते आचार्य कहते हैं कि भगवान, मेरा प्रयास भी अविचारित लगता है और स्तुति करने का सामर्थ्य संसार में किसी के पास भी नहीं है आगे के छंद में, क्योंकि अपने को वैसे कहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, दशहरा यानी दशलक्षण पास ना आ जाए, इसलिए तीन तीन चार चार लेना पड़ेगा। अब आगे कहते हैं पांचवें नंबर के छंद में कि मेरा प्रयत्न जो हो रहा है वो किसका प्रभाव है? मेरे भक्ति का ही चमत्कार है। मेरे पास शक्ति तो है ही नहीं, लेकिन तो भी मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, भक्ति नहीं स्तुति कर रहा हूँ। और स्तुति के लिए क्या कारण है? मेरी भक्ति का ही चमत्कार है। इसी बात को
उमड़ती हुई भक्ति की प्रेरणा को बताते हुए आचार्य आगे कहते हैं, सोहं तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, हमने ऐसे बोला ही नहीं, आपने जो बोला वैसे मैं कैसे बोला देखो, सोहं तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्तः, प्रीत्यात्मवीर विचार्य मृगी मृगेन्द्र, नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्, सोहं तथापि अभी तक आचार्य मानते हुए महाराज ने प्रथम छंद में मंगलाचरण पूर्वक आदिनाथ भगवान जी को नमन किया, उसके पश्चात क्रमशः दूसरे तीसरे और चौथे छंद में लघुता अल्पज्ञता और असमर्थता को एक कोटि में रखा और दूसरी कोटि में आदिनाथ भगवान जी के गुणों की प्रचुरता अनंतानंत और अनंत शक्ति मत्ता को रखा और ये दोनों कोटियों को परस्पर में सर्वथा विपरीत अथवा अपनी अधिक असंभव है जितनी की सरिता को दो तटों को मिलाना, उसी तरह असंभव कार्य को संभव करने का क्या कर रहे हुए प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं, हे यतीश्वर, हे युगादि देव, मुनीश अने हे मुनीश्वर, मुनियों के ईश्वराने हे ऋषभदेव भगवान आदि देव, क्योंकि ईशाने स्वामी होते हैं, ईश्वर होते हैं। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान क्या है, साधु संघ के स्वामी हैं, इसीलिए उनको हे मुनि शब्द दे दिया। स व मैं असमर्थ, सामर्थ हीन होने के बाद भी अहम मैं आचार्य मानतू, फिर भी भक्ति वशात, भक्ति के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, विगत शक्ति, मेरी शक्ति मैं शक्तिहीन रहित होने के बाद भी, क्योंकि विगत शब्द आया है, विशेष रूप से गताने चली गई है क्या शक्ति, ऐसी विगत शक्ति अपि होते हुए भी तव स्तवम करतुम, मैं क्या करता हूँ, आपके गुणों की कीर्तन करने के लिए प्रवर्त, क्या कर रहा हूँ मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं तत्पर हूँ। जिस तरह उदाहरण बताते, बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि मृगी जो हिरनी होती है, प्रीत्या यानी
प्रीति से स्नेह से युक्त क्या करती है, आत्मवीर्यम अने हिरणी स्नेह के कारण प्रीति के कारण अपने सामर्थ्य को अने अपनी शक्ति को क्या बिना विचारे अविचार्य अने बिना विचार करके क्या करता है कि कोई सिंह के मुंह में या सिंह ने अपने पंजे में उसको पकड़ लिया है तो ऐसे अपने निज शिशु अपने बालक उसको क्या करते हैं परिपालनार्थम रक्षा करने के लिए क्या मृगेंद्रम न अभीति सिंह के सामना नहीं करती क्या, अवश्य करती है क्योंकि उसको पता है कि मैं प्रतिकार मेरे पास शक्ति सिंह के मुंह में से या पंजे में से हमारे बच्चों को ले नहीं सकते लेकिन प्रीति और स्नेह के कारण क्या करते हैं अपनी शक्ति को नहीं जानते हुए लेकिन प्रीति के कारण उसको क्या करती है वह प्रतिकार करके उसके पास जाती है। तो यही बात वात्सल्य भक्ति प्रेम और ममता का एक सशक्त प्रतीक माना जाता है, मानव में नहीं तिरेंच पशु में भी वात्सल्य भावना दृष्टिगत हमें होती है। उसका ज्वलंत उदाहरण उस समय दिख जाता है कि जब किसी हिरने का नन्हा सा व शावक व बालक शेर के चंगुल में आ जाता है तब यदि उस समय हिरनी वहाँ उपस्थित है तो वह शांत नहीं बैठ सकती। इसलिए नहीं बैठ सकती कि अपनी ममता भरी आँखों से उस अपने बच्चे का वध कभी भी नहीं देखना चाहती और इसीलिए यद्यपि वो जानती भी है कि सिंह का मुकाबला करना अपनी शक्ति से बाहर है लेकिन कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहती वो हिरण। मेरा क्या है ये कर्तव्य है और इसी दृष्टि से इस दृष्टांत के समानांतर आचार्य ये भी कहते कि जो उदाहरण बताया उसी को किसमें घटाया कि अपनी लघु अशक्त और अल्पकिता की कोटि में रखकर उत्कृष्ट सिद्ध जिनेन्द्र भगवान का सिद्ध भक्त सिद्ध किया। जिस तरह हिरण के वो अपने बच्चे को देखकर चंगुल में अपनी शक्ति को नहीं जाना अपने किसी को नहीं जाना अपनी प्रीति को जान के क्या किया कि उसका मुकाबला किया उसी तरह मैं भी वह हूँ। कैसा हूँ मैं भी छोटा हूँ मैं भी अशक्त हूँ जैसे हिरनी अशक्त होती हुई भी मुकाबला किया और अल्पज्ञ हूँ और इसी बात को भक्ति की प्रबलता ने उपयुक्त तीन प्रकार के निर्बलता पर विजय प्राप्त किया। ये उदाहरण बता के इस पर विजय किसके द्वारा प्राप्त किया भगवान के प्रति जो भक्ति है क्योंकि भक्ति के बिना अनंत शक्ति का उद्घाटन नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति शक्ति की यहाँ बात नहीं है भक्ति के द्वारा तो शक्ति आती है और शक्ति आने के बाद यह आक्रमाकार होता है। तो ऐसे वे
निर्बलता होती हुई भी इस निर्बलता को पर विजय प्राप्त किया और इस प्रकार भक्ति रस से परिपूर्ण भक्तांब स्तोत्र भक्ति रस से परिपूर्ण है। और ऐसे ये काव्य इसीलिए भक्तांबर के नाम की इस छंद में सार्थकता हो जाती है, यानी प्रत्येक भक्त को क्या बना सकती है, अमर बना सकती है, और इसी में वो कार्य हो जाता है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि भगवान क्या बताऊँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन तो भी मैं भक्ति, ये सब किसका प्रभाव है, ये मेरा प्रयत्न सब भक्ति का ही चमत्कार है। और आगे कहते हैं कि भगवान मैं भक्ति से अभिभूत हूँ, इसीलिए तो मैं वाचाल हो रहा हूँ, अने मेरे पास भक्ति है इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, भक्ति नहीं हो तो मैं क्या भोस्ति करता आपकी। तो इसके लिए आगे आचार्य हमें, इसलिए मैंने पहले बताया था कि अगर स्तोत्र में सबसे श्रेष्ठ कोई है तो भक्तांबर स्तोत्र को ये मान्यता मिली है। एक ऐसा स्तोत्र है कि जैन समाज ही नहीं, अन्य समाज के कई साधु भी इसका पाठ करते हर रोज़। एक प्रसंग बताकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं महाराष्ट्र में एक जगह चातुर्मास कर रहा था, उस गांव में नवरात्र चल रहा था और उसमें एक जैन समाज के कोई उनके साधु आए थे बड़े, तो उसमें एक जैन टीचर जो विद्वान थे प्रवचन सुनने के लिए गए थे। तो प्रवचन होने के बाद वहाँ के उस मंदिर के जो अन्य मंदिर था उन्होंने परिचय करके दिया, ये बहुत बड़े आदर्श शिक्षक है, ऐसे बता के परिचय कर दिया। उन विद्वान के सामने उस साधु ने कहा, आप भक्तांबर का पाठ करते क्या? तो सर शिक्षक इधर उधर देखने गए, उन्होंने कहा नहीं करता। अरे भैया जी मैं नाम भूल रहा हूँ साधु, सबसे बड़े शंकराचार्य जो कोई भी हो बड़े थे, तो उन्होंने कहा देखो जीवन में कभी भी याद रखना हर रोज़ भक्तांबर का पाठ करना कल्याण हो जाए। जब अजैन साधु बता रहा है भक्तांबर का प्रभाव क्या है, और हम तो बचपन से नहीं गर्व में भी सुन के आए तो भी हमारी आस्था नहीं है, इसका एक ही कारण है दिन काट रहे हैं, कर्म काटने का लक्ष्य हमारा बस जी रहे हैं, लक्ष्य विहीन कुछ है ही नहीं हमारा। तो अन्य साधु इसका पाठ करते हैं तो जैन कुल का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको भक्तांबर का पाठ होता नहीं, हर रोज इसका पाठ होना चाहिए। मानसिक शारीरिक और बौद्धिक तीनों बीमारियां अगर ठीक करना है बिना दवा से, आचार्य कहते हैं भगवान ही हमारा रसायन है, भगवान ही हमारी औषधि है, ये होने के बाद हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए याद रखेंगे कि ऐसा ये भक्तांबर का पाठ है, क्योंकि मैं आगे का छठवां शुरू करूँगा तो आधा हो जाएगा, इतना ही विषय इतना याद रखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति इसको पहले से पांचवे तक पाठ देख के बोलेंगे और अपना क्लास समापन बोलेंगे। भक्तामर प्रणत माले मने प्रभाना उत्योतकम्
सम्यक् प्रणम्य येन पादयुगं युगादा यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा त्वद्बोधबोधिपटुभिसुरन् स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरेरुदारे बुद्ध्या विनापि विबुदार्चित पादपीठ बालं विहाय जलशास्तमेन्दुबिम्ब वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तं कस्ते क्षमः सुरयुक्तिमुक्तिबुद्धकल्पान्तकालपवनोत्तनक्रचक्रम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश प्रीत्यात्मवीरमविचारमृगे मृगेन्द्र इस तरह पांच छंद पूर्ण हो गए।